हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। चलिए, आज 1 दिसंबर, यानी आज 2 दिसंबर हो चुका है। 1 दिसंबर कल क्या हुआ था उसके बारे में आज के इस क्लास में देखेंगे अपन। और ये जो है, आपको अगर नवंबर माह की PDF चाहिए पूरे मंथ की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। 1 दिसंबर 2023 आज है, यानी कल था, और आज उसके अपन करंट अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो है, आपको हर रोज़ ये क्लास मिलती है 7:15 बजे, ठीक है? तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। और ये आपको, ये देखिए, दिसंबर माह का 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर के अपन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ित जो हैं, रासायनिक युद्ध से संबंधित जो पीड़ित रहे, आपको याद होगा 1984 के अंदर भी एक रासायनिक जो है भोपाल में एक गैस त्रासदी कांड हुआ था, वो है इन सबको, ऐसे जो भी होते हैं उनसे बचने के लिए या उनको स्मरण, यानी उनको याद करने के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर, 30 नवंबर, 29 नवंबर या सभी में, या कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? प्रतीक सिन्हा, पुनीत विद्यार्थी, हर्ष कुमार या कोई नहीं? कौन होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा पुनीत विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने 40वें तटरक्षक कमांडरों के जो है सम्मेलन का उद्घाटन किया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या सभी? किसने किया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UN नॉन सेन पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने विस्थापित, छोड़ दिए गए बच्चों को, अनाथ बच्चों को शिक्षित करने के लिए UN नॉन सेन पुरस्कार जीता है? मनोज जैन, आलोक शर्मा, अब्दुल्ला राही मेरे या फिर सभी? किसको मिला है? तो ये अब्दुल्ला राही मेरे को मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है? हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है? इथियोपिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया या सभी? किसने किया है ऐसा? तो ऐसा न्यूजीलैंड ने किया है। किसने किया है? जहाँ पर धूम्रपान प्रतिबंध था, उस फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया कि नहीं भाई, ये स्वतंत्रता है, सभी को अपना अपनी स्वेच्छा से कार्य करने की जो है वो है अनुमति है, उसमें कोई सरकार या कोई भी कानून उसको रोक नहीं सकता है, इसलिए ऐसा किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इम्पीरियल का शुभारंभ किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या ओडिशा? कहां पर किया है? तो ये किया है इन्होंने केरल में। हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या रूस? तो किसका हुआ? अमेरिका का। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशिया देश कौन सा बना है? हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला देश दक्षिण एशिया देश कौन सा बना है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर कोई नहीं? कौन सा बना है? तो बना है नेपाल।
समलैंगिक विवाह, यानी कि जैसे पुरुष पुरुष महिला महिला शादी कर सकते हैं, ऐसा नेपाल वालों ने अनुमति दी है नेपाल सरकार ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है? उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब या कोई नहीं? किसने जीती है? तो ये जीती है पंजाब ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है? महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल या असम? किसको मिला है? तो ये मिला है असम को। हाल ही में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? टोक्यो, वाराणसी, रियाद या सभी? तो कहां पर किया जाएगा? रियाद में। हाल ही में बिहार सरकार और किस राज्य सरकार ने हाल ही में बिहार सरकार और कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने UNLF के साथ शांति समझौता हस्ताक्षर किया है? असम, जम्मू कश्मीर, असम या फिर इसके अंदर एक थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, इसके अंदर यहाँ पर असम की जगह पे मणिपुर आना चाहिए, ठीक है ना? मणिपुर, ये मणिपुर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। माफी चाहूंगा भाई, पता नहीं ये कैसे हो गया। हाल ही में किस देश का रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए है? हाल ही में किस देश का रिकॉर्ड है जो 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? रूस, जापान, अमेरिका या सभी देशों ने? तो उससे किसने किया है? अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे फिर से OpenAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्रेड टेलर, सेम ऑल्टमैन, मीरा मुराती या कोई भी नहीं? किसको? तो सेम ऑल्टमैन को फिर से AI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल या ओडिशा? तो कहाँ पर की जा रही है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उसी के साथ आपको एक जानकारी और दे दूँ कि हमारी जनरल पेपर की फ्री क्लास रात को 9:15 बजे होती है। इसके अंदर हम हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, इनसे संबंधित जो टॉपिक होते हैं जैसे अभी EMRS और BPSC, TGT, PGT, साथ में ही DTRPS भी, इनके मैं जो है टीचर्स की जो जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर की हम तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप ये वाली क्लास भी ज्वाइन करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए। ये क्लास आपको हर रोज रात को 9:15 पे इसी चैनल पर मिलती है। तो या तो आपको अगर फिर भी कोई डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप और नवंबर का पूरे महीने के जो MCQs तैयार हुए हैं, अगर आप में से किसी को चाहिए तो वो पूरे महीने के जो है मात्र 40 रुपये का PDF है, जिसके अंदर आपको करीबन 200 से 300, अगर दिन के 10 क्वेश्चन भी लगाएं तो 30 दिन के कितने हो गए? 300 क्वेश्चन, यानी 300 से 350 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मात्र 40 रुपये में। तो आप ये वाली PDF भी लेना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में यहाँ पर आपको मेरे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या पेमेंट जो नंबर आपको दिख रहे हैं इन नंबर पर आप मुझे 40 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको PDF विथ आंसर की मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से।